हेलो एवरीवन माय नेम इज अलका वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अलका जहाँगीर कैसे हैं आप सब आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे आज का जो वीडियो है वो हर गर्ल्स हर वुमेन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और स्पेशल है आज मैं आपको बताने वाली हूँ अगर आपके नेल्स भी कुछ इस तरीके से हैं क्योंकि जो यू नो नॉर्मली तो ठीक है बट जब हम कहीं पार्टी फंक्शन के लिए रेडी होते हैं तो यार हमें थोड़ा सा जब नेल पेंट वगैरह लगाते हैं इन नेल्स पर सच में नेल पेंट्स नहीं अच्छे लगते बहुत ही छोटे आप देख सकते हो और आपके किसी भी वजह से नेल्स जो है वो नहीं बढ़ते बढ़ते हैं आपके छोटे रहते हैं तो आज जो है मैं आपके लिए एक ऐसा सोल्यूशन बताने वाली हूँ जिससे आप कुछ ही सेकंड में अपने नेल्स को जो है वो बड़ा कर सकते हैं लंबा कर सकते हैं एंड वो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगने वाला है ना तो नेल पेंट की टेंशन है ना नेल एक्सटेंशन की टेंशन है क्योंकि नेल एक्सटेंशन जब हम कराते हैं वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाते हैं और उनको रिमूव कराने भी वहीं जाओ तो बहुत ज़्यादा जो प्रोसेस है वो काफ़ी कॉस्टली और टाइम टेकिंग हो जाता है तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये इतने ब्यूटिफुल नेल एक्सटेंशन एक्चुअली ये प्रेस ऑन जेल वाले हैं यानी इनके साथ आपको स्टिक करने के लिए एक यू नो स्टिक टाइप मिलती है कुछ आप टेप बोल सकते हो उस तरीके का मटेरियल मिलता है और इनको आप स्टिक करके कुछ ही सेकंड में अपने नेल्स को अपने नेल्स को लंबा कर सकते हो अब ये कैसे रिसीव हुए हैं कहाँ से लिए हैं किस तरीके से यूज़ करते हैं मैं आपको आने वाली वीडियो में बताने वाली हूँ अगर वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे थोड़ी सी भी हेल्पफुल हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड बेल बटन को हिट करना बिल्कुल भी मत भूलना लेट्स गेट स्टार्ट गाइस सबसे पहले आप देख लीजिए कि मेरा जो बिफोर है वो कुछ इस तरीके का है यानी मेरे नेल्स जो हैं वो इतने छोटे हैं एक्चुअली uh, मेरे जो लेफ्ट हैंड है उसके नेल्स थोड़े बड़े हैं आप देख सकते हो दोनों में कितना डिफरेंस है मतलब हैंड में इसके इतने छोटे हैं तो अच्छा नहीं लग रहा है और इतने इसके लेंथ है मैं जो राइट हैंड का है उसको नहीं बढ़ाती हूँ तो अगर आपके दोनों हैंड्स के नेल्स इतने छोटे हैं तो हम इन्हें कैसे यूज़ कर सकते हैं वन बाय वन मैं बता रही हूँ ये मैंने मीशो से ऑर्डर किए थे और ये पैक ऑफ थ्री है इनका जो फर्स्ट लुक कुछ इस तरीके का है मैं आपको पिक्चर भी शो कर रही हूँ इनका जो इनका जो फर्स्ट लुक है वो कुछ इस तरीके का है ये थोड़ा सा यू नो मेजेंटा ब्राउन शेड में है आप देख सकते हैं और ये रेड एंड वाइट है एंड ये पर्पल या पिंक आप बोल सकते हो और व्हाइट का कॉम्बिनेशन है सबसे पहले पैकेजिंग की बात करें तो ये इस तरीके की कार्डबोर्ड पैकेजिंग में थे और ये इस तरीके का है आप देख सकते हो ये मेजेंटा शेड में है और ये इस तरीके से यू नो सिक्योर करके मिला हुआ है और ये इतने सारे हैं आप देख सकते हो इन्हें आप यू नो अपने साइज के अकॉर्डिंग या आप मिक्सचर मैच करके भी कर सकते हो वाइट लगाने हैं पर्पल लगाने हैं कैसे भी लगाने हैं आप अपने हैंड्स पे अप्लाई कर सकते हो आप देख सकते हैं जूम करके दिखा रहे हो इन पर इतना अच्छा फ्लार प्रिंट है एग्जैक्टली exactly जैसे आप नेल एक्सटेंशनस कराते हैं ये उसी तरीके का है तो फर्स्ट पेयर ये है और इसके साथ इस तरीके की ये स्टिक ऑन जो यू नो टेप बोल सकते हो आप या गम बोल सकते हो इनको हमें स्टिक करना होता है ये कुछ इस तरीके की है मैंने यूज़ करके दिखाऊंगी अभी आपको ये है मेरे सारे मेरे फेवरेट हैं आप देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल कलर है इसका भी आप देख सकते हो और शेप भी बहुत अच्छी है मुझे काफ़ी अच्छा लगा और इसके साथ भी इस तरीके की यू नो प्रेस ऑन स्टिक मिली है और लास्ट जो है ये थ्री पेयर ऑफ है और ये रेड एंड वाइट है इस पे भी फ्लावर बने हुए हैं आप देख सकते हो कितना सुंदर लग रहे हैं मुझे तो ये बहुत ज्यादा अच्छे लगे थे चलिए स्टार्ट करते हैं ये हैंड पे कैसे लगेंगे एक्चुअली मैं भी फर्स्ट टाइम ट्राई करने वाली हूँ गाइज आप देख सकते हो आपको कैसे अप्लाई करना है मैंने अपना साइज के अकॉर्डिंग जिस तरीके से मुझे निकाल लगाने हैं मैंने निकाल लिए हैं आपको छोटे नेल्स ही रखने होंगे तो आपको कोई भी नेल फाइलर चाहिए और इसको ऐसे आप ऊपर की साइड यहाँ पे आ, इस तरीके से कर लेंगे ताकि आपके जो नेल्स हैं वो अच्छे से इस पे स्टिक हो जाएं तो आपको इस तरीके से करना होगा नेल फाइलर आपके पास होगा ही तो इस तरीके से आप कर लेंगे अपने नेल्स पे आप देख सकते हो ऐसे करने के बाद आप इसको अच्छे से किसी भी टिश्यू से आप जो भी यू नो ड्राई कपड़ा हो उससे ऐसे क्लीन कर लेंगे अपने नेल्स को और इस तरीके की ये आपको स्टिक मिल रहे हैं आपको इसको स्टिक ऑन करना पड़ेगा तो आप अपने इसमें भी ना साइजेस अवेलेबल हैं तो जो बड़ा साइज है वो हमारे थम के लिए होगा आप देख सकते हो जो ये छोटे वाले हैं तो ये हमारे इस वाले फिंगर के लिए होगा तो आप अपने साइज के अकॉर्डिंग इसको ले सकते हैं जैसे ये मैं बड़े वाला निकाल रही हूँ आप इसको आप देख सकते हो ये कुछ स्टिकी सा है इस तरीके का है ये थोड़ा सा यू you नो know, स्टिकी है आप इसको अपने आप देख सकते हो यहाँ पे मैं नेल्स पे इसको चिपका रही हूँ ठीक है और ये काफी स्टिकी आप देख सकते हो इस तरीके से ये लग गया है और मुझे जैसे नेल्स ये वाला मैंने चूज किया है तो मैं इसको इस पे रख के और इसको थोड़ी सी देर के लिए प्रेस कर दूंगी वाव ये बहुत अच्छे से टाइटन हो रहा है गाइज आप देख सकते हो ये कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है और बिल्कुल नेचुरल लग रहा है और मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही जिस तरीके से मुझे ये नेल्स फ़ील हो रहे हैं उसी तरीके से ये नेल्स भी फ़ील हो रहे हैं बहुत लाइट वेट है कुछ भी हैवी नहीं लग रहा और अच्छे से स्टिक हुए हैं उस स्टिक से मुझे नहीं लगता कि आपका कहीं आप पार्टी फंक्शन में जाने वाले हैं तो ये कहीं से कहीं तक भी ख़राब होने वाले हैं आप देख सकते हो और ये मेरे आउटफिट के साथ भी बहुत सुंदर लग रहे हैं और आप खुद से देख सकते हो नेचुरल जो मेरे नेल्स हैं और ये वाला कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है मतलब बहुत ही अमेजिंग और अभी तो मैंने ये वाला ही कलर ट्राई किया था और आप देख सकते हो ये वाले भी कितने ज़्यादा सुंदर हैं और ये इस तरीके के आपको नेल एक्सटेंशन के लिए घंटों तक बैठने की ज़रूरत नहीं है आप देख सकते हो कितना सुंदर फ्लावर प्रिंट है इन पर इनको लगाना बहुत इजी है और ना नेल पेंट लगाने का झंझट है ना कुछ और आप किसी भी आउटफिट के साथ यू you नो know, रेडी हो सकते हैं आप देख सकते हो कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है तो अगर आपको भी इस तरीके से नेल्स लेने हैं तो यू नो लिंक वगैरह जो भी होगा प्रोडक्ट कोड होगा वो मैं डिस्क्रिप्शन में कर डाल दूँगी आप वहाँ से ज़रूर ले सकते हो बहुत ही अमेजिंग क्वालिटी मुझे रिसीव हुई है आप देख सकते हो बहुत ही ज्यादा पेटी लग रहे हैं और लगाना और निकालना काफी ज्यादा इजी है आप इसी तरीके से इसको निकाल सकते हो या फिर आप गर्म पानी में भी हार्ड डिप करेंगे ना तो भी ये ईजिली निकल जाएगा कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है आप देख सकते हैं तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा अगर आपको भी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल बटन को हिट करना बिल्कुल भी मत भूलना चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय